सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सब हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। पत्रस की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 13 से। पत्रस की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 13 से आइए देखें। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पूरी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है, वचन कह रही है कि अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। यहाँ परमेश्वर का दास पत्रस कह रहा है कि हे भाइयों, तो अपनी बुद्धि की कमर बांध लो, अपनी बुद्धि को ठीक कर लो, अपनी बुद्धि को सही कर लो और सही ढंग से कहता है सचेत रहकर, कहता अपनी बुद्धि को इधर उधर भटकने के लिए मत छोड़ो, अपनी बुद्धि को अपनी मनमानी करने के लिए मत छोड़ो, बल्कि उसको उस बुद्धि की कमर को बांध लो, यानी बुद्धि को अपने वश में करके और सचेत होकर उस अनुग्रह की पूरी आशा करो। कौन सा अनुग्रह? कि जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है, अर्थात अंत के समय में जब यीशु मसीह बादलों से उतरेगा, बादलों से प्रकट होगा, उस समय जो अनुग्रह तुम्हें मिलने वाला है, उस समय जो यीशु मसीह अपना प्रेम अपना अनुग्रह जो तुम्हारे ऊपर प्रकट करने वाला है, कहता है उसकी पूरी आशा करो, उसकी पूरी आशा रखो। कहता है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, यानी अपनी बुद्धि को अपनी मनमानी सोच उत्पन्न करने के लिए, अपनी मनमानी काम प्रकट करने के लिए मत छोड़ो, बल्कि उसको अपने कब्जे में रखकर सचेत होकर उस अनुग्रह की, उस परमेश्वर के यीशु मसीह के उस अनुग्रह की आशा रखो जो प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। क्योंकि जब वो यीशु मसीह प्रकट होगा तो तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाएगा। इसीलिए वचन कह रही है कि तुम क्या करो कि आज्ञाकारी बालकों के समान बनो। जैसे आज्ञाकारी जो बालक होते हैं, वचन कह रही है कि तुम भी वैसा बनो। कहता है आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। क्योंकि जब तुम अज्ञानता में थे, जब परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो उस अज्ञानता में जो अभिलाषाएं तुम्हारे अंदर उत्पन्न होती थी और उन अभिलाषाओं के अनुसार तुम सोचते थे, काम करते थे। तो कहता है कि जैसे एक आज्ञाकारी बालक है, वह अपने उन गंदे विचार यानी पुराने कामों को छोड़कर उन आज्ञाओं के अनुसार वह चलना चालू करता है। तुम भी क्या करो कि उन पुरानी अभिलाषाओं को त्याग कर
परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार बन जाओ, परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलो, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बन जाओ। कहता है पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, कहता है कि उस आज्ञाकारी बालक के समान जैसे वह अपनी नादानी को त्याग कर आज्ञाओं में चलना चालू कर देता है। ये नहीं कि वह आज्ञाओं को तोड़कर अपने पुरानी अभिलाषाओं में यानी बुरे कामों में चलता, ऐसा नहीं। वह क्या करता, आज्ञाकारी बालक अपने उन विचारों को, उन बुरे कामों को त्याग कर मिली हुई आज्ञाओं के अनुसार चलता है और काम करता है। कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला जो यीशु मसीह है वह कैसा है, पवित्र है। इसलिए वचन कह रही है तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बन जाओ, क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। वो परमेश्वर कहता है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जब हमारा परमेश्वर, हमारा बुलाने वाला, हमारा पालनहार जब पवित्र है, तो अवश्य है कि हमें भी अपने मन से, अपने वचन से और अपने कामों से पवित्र बनना होगा। आमेन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, आज सुबह की प्रार्थना हरे के लिए करते हैं। इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर अवश्य कि पूरे दिन आपको सुरक्षित अपने आशीषों में भर के रखेगा। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे महान परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्य की चाल चलन पर टिकी रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व तो परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता है। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हर एक के जीवन में अपने अद्भुत आशीष को उतार, ताकि हर कोई आशीषों को पाकर तृप्त हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तुझे धन्यवाद देता हूँ कि आज पूरी रात हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, हर एक को तू अच्छा नींद दिया। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हे परमेश्वर नई सुबह, नया दिन, नया जीवन हर एक को दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर जो नया दिन हर एक को दिया है, आज पूरे दिन हर एक को संभाल कर सुरक्षित रख, कि कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव किसी के जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई जीवन में दुर्घटना हो। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से हरि को बचा कर रख। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तू अद्भुत अनोखा सामर्थ उतरने दे हे परमेश्वर, ताकि जीवन में वो हमेशा आनंदित हो। आज पूरे दिन हे परमेश्वर, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए, हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। वो महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। प्रार्थना करता हूँ पिता, इनमें से जितने बीमार हैं हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, प्रार्थना को सुनने वालों में से जितने बीमार हैं, आज हर एक बीमार यीशु के नाम से चंगा हो जाए, उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, सारा दुख निकल जाए, सारी विपत्तियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, इनके शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो तो हर एक दर्द को आदेश देता हूँ कि दर्द निकल जाए, शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो तो नष्ट हो जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, इनके आँखों की परेशानियाँ तो दूर हो जाए, कान की परेशानियां दूर हो जाए, उनके दांत में परेशानी हो तो दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, रीढ़ के हड्डियों में तकलीफ हो तो रीढ़ के हड्डियों की तकलीफ निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, उनके शरीर के अंदर दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, जिसका लिवर खराब चंगा हो जाए, जिसका किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी से चंगाई मिले। प्रभु यीशु के नाम से अपेंडिक्स की बीमारी, हर्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से टाइफाइड मलेरिया का बुखार निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियाँ नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफ़ेद दाग नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ,
जिनके शरीर के अंदर पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे आता हूँ, जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। जिसके पास संतान नहीं, परमेश्वर उन्हें संतान देकर आशीष दे। उनके गर्भ के अंदर सूजन हो, सूजन निकल जाए। गिल्टियाँ हो तो गायब हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। मान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसके सर का बाल झड़ता, बाल झड़ना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि धात की बीमारी नष्ट हो जाए, धात की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, शरीर के हर अंग की हर बीमारियां आज अभी इसी क्षण नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके जीवन में अद्भुत अनोखा आशीष उतरने दे, ताकि ये परमेश्वर इनके जीवन में जो भी समस्याएं, वह सारी समस्याएं दूर होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं, उनको अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि से भर दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हर एक को तू अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि दे, ताकि हे परमेश्वर तेरे बताए गए मार्ग पे हर कोई चलना चालू करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में, हर एक के घर पे आशीष दे, ताकि घर का भंडार भरे। इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस व्यापार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं, उसे रोजगार देकर आशीष दे, नौकरी नहीं, उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में हो, गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबाए, कर्जा से छुटकारा पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं, उसे घर हो। जिसके पास चलने का साधन नहीं, चलने का साधन हो। मेरे महान परमेश्वर, जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी हो। हे परमेश्वर, कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा हो तो मुकदमा से बाहर निकले। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हर के जीवन में जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके जीवन में हे परमेश्वर अपने आशीष को आने दे। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, इनके घर, इनके परिवार में लड़ाई झगड़े हैं तो हे परमेश्वर, लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए। पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ हो तो बिल्कुल समाप्त होने पाए। पति पत्नी एक मत एक मन होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के घर परिवार में हे परमेश्वर, स्वर्ग की आशीषें उतरने दे, ताकि घर परिवार का हर सदस्य आनंदित और भला चंगा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, बॉर्डर के नौजवानों के लिए कि परमेश्वर उन्हें अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी सहायता, उनकी मदद कर, ताकि वे सुरक्षित भले चंगे हो। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के हर एक व्यक्ति के लिए कि परमेश्वर, इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, हर कोई तेरे आशीष के द्वारा हमेशा भरा रहे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जो तुझे नहीं जानते परमेश्वर, तुझे जाने और तुझे पहचाने, तुझ पे विश्वास करे, तुझे जाने कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस देश के कानून के लिए कि हे परमेश्वर, इस देश की कानून व्यवस्था सही ढंग से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हे परमेश्वर, इस देश में जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, हर एक को अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि हे परमेश्वर, वे सुरक्षित भले चंगे रहें और अपने देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान स्वामी, हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले हैं, आज किसी के जीवन में कोई निराशा हो तो परमेश्वर, उसकी निराशा को खत्म करके उनकी निराशा पे आशीष दे कि वो आशा में बदल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज किसी के जीवन में कोई प्रकार की हानियां होने वाली है तो हर हानियां को रोक मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि तेरे वचन में लिखा, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है, सब तेरे विश्वास, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा है कि जीवन का सोता तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे, तो प्रभु हम सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में देते हैं। हे परमेश्वर, तू अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाशमान कर, ताकि जीवन का अंधकार और घर का अंधकार, परिवार का अंधकार मिटने पाए। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने स्वर्ग दूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्ग दूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर के घर परिवार की रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, सदैव आनंदित तेरे रक्षा कवच में बने रहे। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के घर परिवार में तू अनहोना आशीष उतार। मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, तेरे नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और तेरी चंगाइयां मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी।